यस एट क्लास। प्यारे बच्चों, वर्कशीट बन के आपने 10 पार्ट्स तक कर लिए होंगे, और नहीं भी करे तो थोड़ा स्पीड बना लो, 10 तक अपने आप कंप्लीट करने थे। 11th पार्ट में थोड़ा डेसिमल है, लेकिन डेसिमल आपके लिए कोई नया नहीं है, वही प्रोसीजर चलेगा हमारा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इसके आगे लग जाएगा और -5 के बाद में ये चला जाएगा, ब्रैकेट में आ गया, तो मैंने इसका डेसिमल रिमूव कर दिया, 5/10 कर दिया, 24/10। फिर हमने मल्टीप्लाई करना है 3 को एक बार इससे और 3 को एक बार इससे, 5 -5 को एक बार इससे, फिर -5 को एक बार इससे, तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा और x आ जाएगा -4/3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। 12 आप अपने आप कर लेना, 11 मैंने करा है, 12 अपने आप हो जाएगा। 13 है, 1 -2x + 1 + 2x, 4x + 1 और x -3। हम अगर ध्यान से देखें तो दोनों ब्रैकेट्स के बीच में प्लस का साइन है, दोनों ब्रैकेट्स के बीच में प्लस का साइन है। अगर दोनों ब्रैकेट्स के बीच में प्लस है, दोनों ब्रैकेट्स के बीच में प्लस है, तो कोई साइन चेंज किए बिना ये ब्रैकेट्स अपने आप में खुल जाएंगी। मैंने ब्रैकेट्स को खोल दिया और इज इक्वल टू 1/2। सबसे पहले हमने इनको सिंप्लीफाई करके छोटे से छोटा बना लेना है, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, एकदम क्रॉस मल्टीप्लाई पे नहीं करना, क्योंकि दो जगह एक्स पड़ा है, यहाँ भी दो जगह, तो क्यों ना हम पहले इसको सॉल्व करके छोटा बना लें। जब मैंने ब्रैकेट खोली तो -2x से +2x कैंसिल हो गया, सेम नंबर पॉजिटिव सेम नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो 1 ये बच गया और 1 ये बच गया, तो 2 आ गया। यहाँ पर 4x है और यहाँ पर 1x है, तो 4 और 1 5 हो गया, प्लस का 1 है, माइनस का 3 है, तो माइनस का यहाँ से 2 बचेगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 5x - 2 = 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 को 2 से, और ये इधर हो जाएगा, तो x = 6/5। एक्स के साथ वाला नंबर हमेशा नीचे आएगा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। 14 को बड़े ध्यान से देखना है, x² - अब ये दोनों ब्रैकेट्स लगातार हैं, लगातार हैं का मतलब है x+2 जो है वो x+3 से मल्टीप्लाई होएगी। x+2 और x+3 दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है, बीच में कोई साइन का मतलब है मल्टीप्लाई होना है, तो हमने x² को वैसे के वैसे लिख के माइनस लगा के पूरी बड़ी ब्रैकेट डाल देंगे। ये 7th वाला सम हो गया कि इसकी पहली टर्म के साथ x+3 जाएगा, फिर +2 के साथ फिर x+3 जाएगा, ये बड़ी ब्रैकेट में अंदर अलग से मल्टीप्लाई होएगा। 7x + 1 2/3, ये x² एज इट इज पड़ा है, x को x² x को 3 से 3x 2 को x से 2x 2 3 जा 6, 3x और 2x मिलके 5x बन गया। अब ये x² x और 6 अनलाइक टर्म्स हो गई तीनों। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे और ये देखना है कि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो खोलते हुए सारे साइन चेंज हो जाएंगे। x² - 5x - 6/7x + 1 2/3, x² से x² कट गया, -5x - 6/7x + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आगे आसान सा हो गया। माइनस अगर नीचे बचता है तो उसको और करके ऊपर ले जाओ, ऐसा हमने 7th क्लास में स्टैंडर्ड फॉर्म सीखी थी। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स एक जैसे हैं, मैंने एक करना है कर दिया। फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, पॉजिटिव निकालनी है, विच द गिवन सॉल्यूशन इज सेटिस्फाइड, गिवन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है, x² का मतलब एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव, लेकिन हमने आंसर सिर्फ पॉजिटिव वाला बताना है, तो यहाँ पर पावर 2 है, हमने लीनियर इक्वेशन बना लेनी है पहले, तो अगर ये x² है तो उसको y ले लो, y² है तो उसको x ले लो, मीन्स कुछ भी अलग सा वेरिएबल ले लेना है। x² को मैंने y लेट कर लिया, तो जहाँ जहाँ x² था वहाँ वहाँ पे मैंने y लिख लिया, और जैसे मैं पिछले सम्स में सॉल्व कर रही थी वैसे सॉल्व कर लिया, तो y की वैल्यू आ गई 53/2, जबकि स्टेटमेंट में y था नहीं, तो हम वापस आ जाएंगे उसी जगह पर। अगर y जो है वो 53/2 है, तो इसका मतलब है x² की वैल्यू 53/2 आ गई, वापस पुट कर देना है y की जगह x². अब x का स्केयर तो ठीक है, लेकिन 53/2 किसका स्केयर है, किसी का भी नहीं, तो अपने आप के रूट का होगा, 53/2 के ऊपर रूट लगा दो और प्लस माइनस लगा दो, क्योंकि प्लस का भी स्केयर वही होगा और माइनस का भी स्केयर वही होगा, तो स्केयर से स्केयर कट गया। अब अपने को बताना है पॉजिटिव आंसर, तो x = 53/2, प्लस वाला ले लेंगे, माइनस वाला हमें लेना नहीं, इग्नोर कर देंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कंप्लीट करो वर्कशीट 1।